वालेकुम, मैं मोहम्मद सलीम मंसूरी, वेलफेयर मंसूरी एसोसिएशन की तरफ से बोल रहा हूँ मैं। ये टोटल ज़मीन हम लोग 1 एकड़ 36 गुंटे परचेस करे थे, मतलब पूरी जमात की तरफ से, एसोसिएशन की तरफ से पैसे जमा करके। ये हमारे शेख बहादुर के नाम पे लिए थे, सदर थे, और मोहम्मद हनीफ नायब सदर है, तो उनको राइट्स दिए थे कि भाई मस्जिद बनाओ 1000 गज़ पे, मदरसा बनाओ 1000 गज़ पे। तो ये दोनों ज़मीन उनके नाम पे दिए थे, ज़मीन पे मेंशन करे थे कि भाई मस्जिद यासीन 1000 गज़ पे बनना, मदरसे जैबुन निसा 1000 गज़ पे बनना। मस्जिद यासीन उन्होंने बना दिए, शेख बहादुर खबरस्तान बना दिए, ग्रेवी एक्ट में सेंक्शन करा दिए। अब बचा था मदरसे की ज़मीन उन्होंने फेक डॉक्यूमेंट बना करके दूसरों को बेच दिए। दूसरों को जो कोई खदीर साहब है उनको बेच दिए। उन्होंने यहाँ पर कंस्ट्रक्शन करा रहे थे, हमको मालूम पड़ा जब बोरिंग करा रहे थे लॉकडाउन के अंदर में। हम लोग आए, उनको रोके, उन्होंने नहीं रुके, पाड़ी शरीफ PS में गए, वहाँ कंप्लेंट करे, वहाँ कंप्लेंट करने आने पुलिस आई, आकर रुका दी। अब लेटर पैड उन्होंने बता रहे कि रजिस्ट्रेशन की तरफ से लेटर पैड हमको लिख के दिए, तो हमारा लेटर पैड दूसरा है। हम उनको ये बोल दिए थे खदीर साहब को कि ये फेक डॉक्यूमेंट्स है और लेटर पैड फेक है, हम इनको कोई परमिशन नहीं दिए ज़मीन बेचने का। आप क्या है आप देख लीजिए, देख के बात करिए। हम लोग मीडिया को बुलाए, PS में कंप्लेंट करे, सब हो गया, काम रुक गया था। अब कल से फिर काम चालू हुआ, तो फिर हम लोग आए, उनको बोले, वो लोग नहीं सुने। फिर पहाड़ी शरीफ PS गए, वहाँ से पुलिस वाले आए, आकर काम रुकाए। अब देखिए आए क्या है, हमकी मीडिया से और आप सबसे गुजारिश है कि ये लैंड पैसे थोड़े थोड़े जमा करके हम लोग एसोसिएशन वाले लिए थे, लद्दाख वेलफेयर एसोसिएशन। अब हम लोग मदरसा बनाना चाह रहे हैं यहाँ पर मदरसा ही बनना, और ये ज़मीन हम उनको बेचने का राइट्स नहीं है। डॉक्यूमेंट्स में मेंशन करा हुआ है कि मदरसा है ज़ैबुन्निसा। ये मोहम्मद हनीसा हमारे वाइस प्रेसिडेंट थे, जब प्रेसिडेंट शेख बहादुर थे, उनका इंतकाल हो गया लॉकडाउन के अंदर में। ये वाइस प्रेसिडेंट साहब मोहम्मद हनीफ साहब है, तो इनको राइट्स नहीं है बेचने के। पूरी जमात का मामला है, अब अगर बेचना है तो पूरी जमात का परमिशन होना। तो ये लोग क्या करें, फेक लेटर पैड बनाए जमात का, वेलफेयर एसोसिएशन का, मंसूरी वेलफेयर एसोसिएशन का फेक लेटर पैड बना के जिसको ज़मीन बेचे उसको ये बोले कि नहीं भाई सोसाइटी ज़मीन बेच दे रही, फेक डॉक्यूमेंट बना लिए और वो पैसा भी उन्होंने रख लिए। पूरा खदीर साहब से बात की, हमने खदीर साहब से बात की है, खदीर साहब बोले भाई आपकी सोसाइटी मेरे को लेटर पैड पे लिख के दी कि भाई ये ज़मीन हम लोग बेच, वो लोग राइट दे रहे बेचने का। तो हम बोले भाई लेटर पैड फेक है, लेटर पैड हमारा नहीं है, वो डुप्लीकेट बना है। हमारे लेटर पैड के ऊपर में रजिस्ट्रेशन नंबर है, आप जरा थोड़ा सा हमारा देख लीजिए, मेंशन है। उनको तो फेक लेटर पैड बना के दिए, उसमें कुछ भी मेंशन नहीं है। हमारी बॉडी है 5 आदमी की, सदर, नायब सदर, वाइस प्रेसिडेंट सब है, उस पर कुछ भी नहीं है, फेक बना लिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अहले जमात मंसूरी लद्दाख कमेटी के तरफ से मैं ये बयान दे रहा हूँ, ज़ैबुन्निसा बेगम मदरसा लैंड के ऊपर गलत लोग आके कार्रवाई वो कर रहे हैं, कब्जा कर रहे हैं, उसके वास्ते वो कर रहे बोल के तब बोल के आके काम करा रहे हैं। इसके अंदर प्रेसिडेंट रखे थे हम लोगों को मदरसा ज़ैबुन्निसा बेगम के नाम से, सलीड है ये, इसके अंदर प्रेसिडेंट बनाए थे मोहम्मद हनीफ साहब को। उन्होंने उनके बेटे क्या करे, नोटरी डॉक्यूमेंट्स बना के फेक डॉक्यूमेंट्स बना के बेच डाले, और उसके अंदर जमा से NOC नहीं लेके डुप्लीकेट NOC बना के लिख के बेच दिए उन लोग। हम लोग उनके खिलाफ कंप्लेंट कराए थे लॉकडाउन में, पुलिस वाले उसके लॉकडाउन चल रहा है कार्रवाई कर रहे हैं बोले, वो कार्रवाई चल रही थी उस बीच में, उसके बाद में फिर अभी बीच में आके फिर अब उतने दिनों के बाद आके फिर आके कंस्ट्रक्शन का काम करा रहे थे उन लोग। पुलिस वाले जब भी रुके थे अभी भी काम रुका के चले गए। तो साहब से बात की आपने की जी, और बात की है, मैं खरीदा बोल के बोले, PS में गए, पुलिस वाले बोले तो गलत है, फेक है, आप चले जाओ बोल के बोले, कोई ऑर्डर वगैरह नहीं चलता, पहले से इसके ऊपर कंप्लेंट है, ऑर्डर कंप्लेंट बता के बगैर कंप्लेंट बता के ऑर्डर लेके आए उन्होंने, वो ऑर्डर इसके ऊपर नहीं है, वो भी मिसगाइड करके, कोर्ट को मिसगाइड करके ऑर्डर लेके आए, कोई पार्टी के है बोल रहे ना, MIM भी हम मीडिया में दिए थे, फिर भी आके वही लोग फिर काम कर रहे हैं दोबारा। साहब से हमारी गुजारिश है, अकबर साहब से, असद साहब से, हुकूमत से, तेलंगाना से, जो जमात के तरफ से भी, और ये जो है पूरा काम हमारे मदरसा जो था वही बनना है यहाँ पर बोल के गुजारिश है, थोड़ा कॉपरेट कीजिए। जलपल्ली में जलपल्ली कमान में मस्जिद यासीन सर्वे नंबर 88 है ये।